देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज को घंटा दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक। पीएम मोदी ने अयोध्या में किया राम मंदिर का भूमि पूजन। मायावती ने कहा मंदिर का नींव रखने का असली श्रेय सुप्रीम कोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का नींव रखने जाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। बसपा की शुरू की गई कहना है कि इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला होगा उसने पार्टी स्वीकार करेगी। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा जैसे कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों को पवित्र नगरी है। स्थली को लेकर दुख की बात यह है कि यह स्थल राम मंदिर का बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफी वर्षों तक विवाद में भी रहा, लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट को अंत किया। साथ ही इनकी आंड में राजनीतिक की पार्टियों में भी काफी कुछ विराम लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन कराने के लिए अयोध्या पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमान गढ़ी की पूजा के बाद मोदी के राम भूमि जन्मभूमि पहुंचे। उसके बाद रामलला दर्शन किए। इसके बाद रामलला के सन्नाट प्रणाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वे राम मंदिर भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंसेवक संघ ने प्रमुख मोहन भागवत के बाकी स्थित व मौजूद थे। 17 लोगों के लिए बैठक व्यवस्था भी तय की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए साथ ही 35 मिनट का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि आना स्वाभाविक था क्योंकि काम काज कीजिए विजु मोहि कहाँ विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्यत्व सरयू के किनारे स्वर्णीय अध्यास चल रहा है। सोमनाथ के विश्वनाथ बोग गया कि सारनाथ के लिए अमृतसर के पटना साबित। कुछ लक्षद्वीप की तरह आज पूरा भारत राममय है। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।